हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो आज मेरे साथ हुआ अल्लाह न करे और किसी के साथ ना होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट सुनाई थी कुपवारा से, जहां पे एक बाप इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहा था, लेकिन वही बाप कातिल निकला। बाप बना बेटी का कातिल। कश्मीर में कभी बाप बेटी का कातिल बनता है तो कभी बेटा माँ का कातिल बनता है। जिस बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत का एक तोहफा भेजा था, उसी बेटी को बहरेमी से अपने बाप ने कत्ल कर दिया। आइए इस पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं कि आखिर क्या वाकया पेश आया कुपवारा में। रखते हैं, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमर फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। बहरहाल रात का वक्त था और उसके दूसरे दिन जब सुबह के टाइम पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है, क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज़्यादा था। और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है, उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी, उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा। और जो जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई, उसमें DSP जो लोलाब हैं सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और SHO मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल SP और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई। और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पर जीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें जीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है, और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूँकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले एक साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिजिकल असाल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 के करीब जब घर आया, उसके बाद अपने उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए, और जब 6 के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से उसके, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुहावसा हुआ, और इवन कि उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहाँ से निकलने की, वो उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊँगा, तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कज़िन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया, और जहाँ पे गाड़ी में ही, चूँकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी
उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो चूँकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूँकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए। और वहाँ पे शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है। और जिस मिकदार में अदरवाइज एक ज़िंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो आप हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिजबे मामूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहाँ पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है, उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूँकि तीन चार लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे उसमें उलझन में अपने आप को जो ख़त्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरे उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के गर्ज से या उसको एक और दूसरी रूपोश वाली जो भी मोड़ देने के गर्ज से वो थाना में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है। लेकिन जिस बीच वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है उसी बीच जब उसके घर वाले या दूसरे मोहल्ले वाले बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट की जाती है और उसकी वाइफ को ये बच्ची इस शेड में स्पॉट होती है डेड हालत में। तो वहाँ से फिर बच्ची को बरामद करके वो फिर से जो मैंने पहले शुरुआत में की कि बच्ची को किस तरीके से फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और बाकी जो सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट जो वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं कॉलर ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। और जहाँ जहाँ पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहाँ कहाँ गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मोमेंट पैटर्न रहा है वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है।